नाम तो आप जानते हैं, निधि चौहान, और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं ये ज़रूर बताइए, और मुझे लगता है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ऑफ कोर्स, तो डायरेक्टली मैं आपको इंडिया से यहाँ कैसे लेके आ गई, दुबई। सो दुबई मैं कल वीडियो नहीं शूट कर पाई, रीज़न भी क्या है, उसने वेरी मतलब बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं, आई विल शो यू। तो वो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे पहुँची ना, तो टाइम था 3-4 घंटे का, बट मैं टर्मिनल दूसरे पे चली गई, फिर वहाँ से इमिग्रेशन एंड ऑल ऑल ऑल। सो मैं सारा प्रोसेस बताती हूँ आपको, बट उन सब के चक्कर में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और ऑन स्पॉट आपको बता नहीं पाई। सो तो शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, जब मैंने लखनऊ छोड़ा, देन आई वेंट टू टर्मिनल 2। तो अगर आप लखनऊ से फ्लाइट लेने वाले हैं इंटरनेशनल कोई भी, तो आई टेल यू कि लखनऊ में फ्लाइट टर्मिनल नंबर जो 1 है दैट इज़ फॉर दिस क्या बोलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट, 2 नहीं है। तो मैं गलती से 1 की जगह 2 पे पहुंच गई थी, तो वहाँ से चल चल के आते 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 मैं परेशान हो गई, कुछ 15 मिनट्स लगा, बट यस आई रीच देयर। तो वहाँ पे आने के बाद इतनी लंबी लाइन, भाई साहब मैं तो वहाँ से डर गई कि क्या इतने सारे, मतलब एयरपोर्ट में एंट्री के लिए इतनी लंबी लाइन थी। फिर मेरे को बाद में जाके पता चला नहीं, वो लाइन अंदर जाने वालों की नहीं है, सी ऑफ करने वाले लोगों की है। तो फिर जब उन्होंने मेरे को देखा तो फुल ऑन, अरे मैडम को स्पेस दो, मैडम को स्पेस दो करके मैं अंदर गई। फिर अंदर गई तो इतनी लंबी लाइन, मैं ऐसे सोचूं भाई साहब मैं तो, मेरी तो कमर की बैंड बच जाएगी। फिर भी मैं लाइन पे लगी रही, कुछ 2 बजे मैं लाइन में थी, और 2 बजे के बाद मेरा काम कुछ हुआ, 3-1.5 घंटे अप्रॉक्स आई वाज स्टैंडिंग। और इतना रश, और एयरपोर्ट मतलब वैसे मैं कभी बोलना नहीं चाहती, बट हाँ बिल्कुल मेंटेन्ड नहीं, प्रोसेस नहीं। इनफैक्ट मेरे को ऐसा फीलिंग ही नहीं आया था कि मैं फ्लाइट से ट्रैवल करूँ, इट वॉज लाइक कि रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग नहीं आती, वैसी वाली वाइब्स आ रहे थे मेरे को, बट इट्स ओके, मेरे को कैसे भी फ्लाइट तो बोर्ड करनी थी। फिर प्रोसेस नंबर 1, वहाँ पर जाके आपको वेब, मतलब वहाँ पर उस फ्लाइट में पर्टिकुलरली एयर इंडिया में वेब चेकिंग का ऑप्शन नहीं था, यू हैव टू गो, यू हैव टू शो योर पेपर्स एंड ब्लाह ब्लाह, देन दे विल गिव यू वेब चेक इन करने को, मतलब वेब चेक इन बोर्ड, देन दे विल गिव यू द बोर्डिंग पास। फिर बोर्डिंग पास लिया, मेरे पास लगेज था उसको ड्रॉप किया, और एक हैंड बैग था उसको लेके आई मूव टू इमिग्रेशन वाला स्टफ। बट वो हैंड बैग में तो यू नो हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ू हैं, हम जो सामान उसमें बच जाता है वी पुट इट इन हैंड बैग। तो मैंने हैंड बैग में रखा था, अच्छा खासा सामान था, कुछ 8 kg, एंड यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, तो वो 8 kg उठाते उठाते मेरी बैंड बच गई। फिर इमिग्रेशन वाले में जाने से पहले मेरा दिमाग वर्कआउट किया कि ओ भाई साहब मैंने होटल तो बुक ही नहीं किया है दुबई में जाके, और इमिग्रेशन वाले तो पूछेंगे। तो चलो ठीक है, मेरे पास जेरोक्स पेपर, एक्चुअली लोग बोलते हैं जेरोक्स ले लो, तो लोग बोलते नहीं फ़ोन में अच्छा है, बट जेरोक्स इज़ फार बेटर, यू गिव द पेपर दे विल चेक एंड दे विल रिटर्न यू बैक। मैंने क्या किया था, रिटर्न वाला का नहीं लिया था। तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स में आपका वीज़ा, आपकी टिकट, आपका कोविड सर्टिफिकेशन। मैं इसमें भी कंफ्यूज थी कि कोविड का जो है मुझे चेक करवाना पड़ेगा ऐसे वैसे, बट यूएई जो है भी, जो भी इस कंट्री में आ रहे हैं उसको सिर्फ अगर सर्टिफाइड है, दोनों डोज कंप्लीट है, देन यू डोंट नीड दैट क्या बोलते हैं उसको, कोविड चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ दिन पहले था, इट वॉज लाइक कि आपको चेक कराना पड़ेगा, बट अभी जो न्यू गाइडलाइंस आए थे उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मैंने मतलब ख़त्म किया। वहाँ से काम करने के बाद मैंने रिटर्न टिकट की जेरोक्स नहीं ली थी, क्योंकि सर उसने कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सब कूल कि मैं फ़ोन दिखा दूँ। अब मुझे रिटर्न टिकट ही ना मिले वहाँ पे, जब मैं वेब चेकिंग नहीं की तभी भी नहीं मिला था। फिर मैं इमिग्रेशन वाले में पहले से ओपन करके फ़ोन में रखा हुआ था, एंड देन कम्स होटल बुकिंग। बट एज़ यू नो माई प्लान कि मैं यहाँ जा करके अपने चाचा जी के पास रुकूंगी, तो मेरे पास तो होटल टिकट की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं चाचा जी बोलूँगी, देन की लगे ना लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड कि यू बुक अ होटल, एंड आई वॉज इन द लाइन ऐसे कि भाई तू कर दे, प्लीज़ कर दे, अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है वो सब खोल के करने का, वरना मुझे और लेट हो जाएगा। देन ही बुक्ड इट। अब जब उसने बुक किया तो उसमें मेरा नाम ही नहीं शो हो रहा था, मतलब नाम नीचे घुसा हुआ था कॉर्नर में, तो मेरे को दिख नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं इमिग्रेशन वाले कि आप जॉब करने ढूंढने जा रहे हो ना, लाइक नहीं भैया मैं घूमने जा रही हूँ। नहीं नहीं आप तो जॉब करने जा रहे हो, मुझे मालूम है आप ढूंढने जा रहे हो, और अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं मिल रहा, वैसा नहीं मिल रहा। देन आई सेड कि भैया आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस जॉब एंड ऑल। तो फिर उसको कन्विंस किया, ये आस्क मी 3-4 क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे,
फिर उसको मैंने जब टिकट दिखाई देन ही वाज लाइक कि टिकट में आपका नाम नहीं है. मैं भी कंफ्यूज. मैं तो उस टाइम इनिशियली उसने बुक किया था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरा नाम कहाँ है. फिर मैंने ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला. फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया स्टेटिंग कि भाई नहीं मिल रहा. देन ही सेड कि अच्छा नहीं मिल रहा, तेरी आंखें हैं बटन नीचे देख. फिर उसने ढूंढ के बताया सर्कल करके मेरे को. फिर मैंने उनको बताया देखो भाई है मेरा नाम. फिर वहाँ से वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट लग गए इन मेरा नाम ढूंढने में. उसके बाद जब वहाँ से निकली अंदर गई, इट वॉज 3:30 ओके. अच्छी मेरी फ्लाइट थी 4:20 की. स्टिल देयर लाइक बोर्डिंग स्टार्ट होगी, बोर्डिंग स्टार्ट होगी, चलो चलो चलो. फिर मैं वहाँ से भाग भाग के फ्लाइट बोर्ड किया. उसके बाद 4 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट एंड आई गॉट मिडिल बर्थ. कि मैंने उसको बोलना ही भूल गई कि मेरे को मतलब विंडो सीट दो या कुछ भी. तो उसने मुझे, इस गधे ने मुझे मिडिल सीट दे दिया था. चलो इट्स ओके, यू नो हाउस मार आई. तो मैंने क्या किया कि आए मेरे बगल वालों जो बीच साइड में बैठा था, मैंने उसको भैया क्या आप उधर शिफ्ट हो जाएंगे. तो उसने बोला हाँ ऐसे इस पर बहुत सारी स्टार्टअप कॉमेडीज भी है कि लड़कियाँ आती हैं और बोलती हैं और हो जाती. तो मैंने विंडो सीट नहीं मांगा था, मैंने मिडिल वाले को बोला था, साइड वाले को बोला था मिडिल में आया. बट ही वॉज अ नाइस डिसेंट गाय. और शिफ्ट हो गया, वो भी फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था सर. शायद उसके पापा यहाँ पे टेलर वगैरह हैं तो उसको भी कुछ कुछ करना था, तो ही वॉज ट्रैवलिंग इन दैट सेंस. तो वो बंदा शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होने के बाद आई, मतलब मैं वहाँ पे बैठी. बैठने के बाद क्या हुआ कि मेरे को आई जो नींद, क्योंकि मैं थक गई थी. और मतलब ट्रैवल करते करते होता है ना कि आप थक जाते हो ऐसे वैसे, तो मैं थक गई थी. फिर थोड़े देर, हाफ एन आवर भी नहीं हुआ होगा, यस हाफ एन आवर हुआ कुछ 4:20 में आई बिलीव. दे केम अप विद अ नाश्ता का डब्बा, दैट वाज क्या बोलते चीटिंग. कुछ भी नहीं था उसमें, एक पानी की बॉटल थी जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे वहाँ से माधोपुआ ने बहुत कुछ खिला दिया था लखनऊ में. तो मतलब मेरा पेट यहाँ यहाँ तक फुल था. बट स्टिल वो किया. और उसके बाद वो खाने के बाद आई मतलब उसमें एक सैंडविच था. सैंडविच क्या ही था, ब्रेड के अंदर एक चीज़ स्लाइस डाल के दे दिया था, वो भी कुछ छोटू सा. उसके बाद केचप और साथ में एक फ्रूट केक था, फ्रूट केक का एक स्लाइस आई मीन उसे. तो वो खाया हुआ. उसके बाद सोने की कोशिश करी थी, नींद नहीं आ रही थी. फिर मेरे फ़ोन का बैटरी लो था, वरना मैं अपनी वीडियो ही एडिट कर ली थी, वो भी नहीं किया. फिर थोड़ी देर जगना सोना, बट मैं बोर नहीं हुई. मतलब मैं 3 घंटे तो बोर नहीं हुई एग्जैक्टली. उसमें 2 बार झपकी ले ली कुछ 20 मिनट्स की, और मैं बोर नहीं हुई. आई वॉज वेरी नर्वस एक्साइटेड कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा सिम कार्ड काम करेगा नहीं करेगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. तो उस चक्कर में मेरे को नींद तो आई नहीं. एंड देन जब लास्ट का जो 1 घंटा था ना, ओ भाई बहुत बोरिंग था. मैं इतनी स्टूपिड, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 hours 10 minutes की जर्नी है, 4 घंटे 10 मिनट की जर्नी है. बट मैंने क्या किया, मुझे लगा कि 4 घंटे 10 मिनट है बट यहाँ तो 17 दिखा रहा है. मतलब आई बोर्ड एट 16:20 एंड 17 दिखा रहा है, 17 मतलब 7 बजे. तो आई वॉज लाइक ओके मैं पहुँच जाऊँगी, शायद वहाँ गलती हो गई. बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ के टाइमिंग के अकॉर्डिंग इट विल बी. तो मैंने फिर अपना फ़ोन रीसेट मारा UAE के टाइम के अकॉर्डिंग किया. देन इट वॉज कि ठीक है, मतलब 1 घंटा और लगेगा. तो 4:10 की एग्जैक्ट फ्लाइट थी, वो जो टाइमिंग लिखी रहती है वो यहाँ के अकॉर्डिंग लिखी रहती है, हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं. फिर क्या, फिर फ्लाइट रुकी, मैं उतरी. उतरने के बाद फिर जैसे जैसे सब लोग जाए थे, आई वॉज फॉलोइंग द सेम वे. वहाँ ऊपर लिखा होता है अराइवल करके, तो वहाँ जाते 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 फिर एक पासपोर्ट चेक किया. जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं उनको जा करके कुछ स्कैन देना होता है फेस का. तो उस वाले प्रोसेस में जब मैं गई तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी थी. बट ट्रस्ट मी, उन्होंने हाफ एन आवर में क्लियर कर दिया. मतलब इंडिया में जो मैं 1.5 घंटे रुकी थी, वो भी मेरे आगे हार्डली 10 लोग होंगे, वो पूरा नहीं कर पाए. लेकिन यहाँ पे फुल एयरपोर्ट जो वो एरिया था वो भरा हुआ था. लेकिन इनका सर्विस इतना क्विक था यूँ, और इतने सारे काउंटर्स थे कि मतलब तुरंत ऐसे ऐसे, मतलब इतना सारा क्राउड और यूँ गायब हो गया. तो वहाँ पे मैंने पासपोर्ट वगैरह दिया एंड मैं वहाँ पे डर गई. मतलब सबके ड्रेसेस देख के, सबके लैंग्वेजेस एंड ऑल देख करके आई वाज स्केयर्ड. मतलब मेरे को लगा था भाई साहब क्या. और फिर मैंने अपना फ़ोन, मतलब नेटवर्क तो रहता नहीं है, मैंने अपना फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट किया. एयरपोर्ट पे तो नेट रहता है, तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले काम किया कि अंकल को कॉल, मतलब मैसेज किया कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ. तो उन्होंने बोला 30 मिनट्स में आई विल बी देयर. मतलब ओके. फिर 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स उन्होंने बोला. फिर जिसको इसको पापा को, अतुल को, छोटी को, सबको कॉल वॉल करने की कोशिश की, कॉल तो लगा नहीं. तो मैसेज वगैरह मैं बहुत पका रही हूँ क्या एक साथ में बोल बोल के.
अगर पका भी हूँ तो कोई बात नहीं, मेरी शक्ल कितनी काली काली लग रही है टायर्ड, बट सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सिर्फ फेस पे पानी मारा, सिर्फ सो के थक गई मैं एक्चुअली बोलते बोलते, मैं सोचा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अरे भाई साहब मैं दुबई में हूँ, तो मतलब मेरी एक्साइटमेंट ही मेरे को समझ नहीं आ रही है ऐसे लेवल पे कि क्या, आई एम सिटिंग हियर मैन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जितना मेरे को वहाँ से लग रहा था कहीं मैं गुम तो नहीं हो जाऊँगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स स्मूथ ओनली। फिर क्या, हाँ तो कहा थी मैं वहाँ पे पासपोर्ट दिया, स्कैन कराया वगैरह वगैरह, फिर मैं अपने लगेज के लिए गई, और वो एयरपोर्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट दुबई एयरपोर्ट, इट वॉज शारजा एयरपोर्ट, तो वहाँ पे क्या था ना बहुत छोटा सा मतलब एयरपोर्ट था, और वहाँ से घर जहाँ पे मैं आई हूँ वो 70 किलोमीटर का, तो वहाँ पे क्या किया वो लोग ना वैसे बंद कर रहे थे कि जाओ जाओ निकलो निकलो निकलो, मतलब बैठने भी नहीं दे रहे थे, जैसे आई थॉट कि लगेज ले लेती हूँ 2 मिनट यहीं पे बैठती हूँ क्योंकि नेट है, बाहर जाके नेट नहीं होगा, बट मैडम आपको जाना है, मैडम आपको जाना है, मैडम आपको जाना है करके, फिर मैं बाहर आने के बाद जैसे मैं बाहर आई तो मेरा मन तो था नहीं निकलने का, लेकिन मेरे को पता था नेटवर्क लॉस्ट हो जाएगा, फिर मैं बाहर आई तो नेटवर्क खत्म हो गया, फिर मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं वापस उसी गेट के पास जाके खड़े होकर नेट यूज़ करी थी, मैंने अंकल को फोटो वोटो भेज दी कि भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ इनकेस मेरा नेटवर्क काम नहीं किया करके, तो ही सेड कि नहीं नहीं डोंट वरी अलका, मैं पार्किंग में, मतलब ओके। फिर वहाँ से उन्होंने बोला मैडम अगर आपको नेट यूज़ करना है तो दूसरे वाले डोर पर जाइए, आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, बस ट्रॉली बाहर छोड़ के आप अंदर चले, तो जस्ट उसके थोड़े बाजू में 4 कदम के एक स्पेस बना हुआ था, एक्चुअली वो फूड वूड सिम कार्ड के लिए था, तो वहाँ पे आप अंदर जा सकते हो, बस आपको ट्रॉली बैग लेके नहीं जाना है, तो मैंने ना ठीक है, फिर मैंने ट्रॉली वहीं पे रख दिया, एंड बहुत चोरी वाला सीन तो था नहीं, इंडिया उठा के लेके चले गया वैसा कुछ था नहीं, और फिर भी मैं बिहारी मैंने वहाँ पे गार्ड को बोला कि भैया यहाँ पे ट्रॉली रख रही हूँ आप देखते रहना, वो बोलता हाँ मैडम आप जाओ, फिर मैं अंदर गई तो एक पंजाबी लड़का मिल गया, उसको कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने उसको बताया कि हाँ चल भाई यहाँ पे तेरे को मिल जाएगा, वो गुरदासपुर से था, वो भी ट्रैवल के लिए आया, तो फिर मैं उसको अंदर लेके गई, हम दोनों ने अपना अपना फ़ोन कनेक्ट किया, फिर बोलता कि सिम कार्ड का पूछूं क्या, क्या कॉस्ट है, मतलब पूछ ले भाई, तो उसने पूछा तो उसने बोला 100 दिरहम्स, तो 100 दिरहम्स इंटू 20 2000 रुपये का हो गया, तो हमने एक दूसरे की शक्ल देखी और बोला भाई हम नेट से काम चला लेंगे, फिर हम लोगों ने मतलब वहाँ पे अपना फ़ोन वन कनेक्ट किया, अंकल को बोला तब तक वो आ गए, तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है आप आ जाओ घर के, तो फिर वो आए, फिर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठी, तब भी कुछ सुकून आया कि ओ भाई साहब, फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग घर पे आए, मैंने खाना वाना खाया, बहुत अच्छा खाना बनाती है चाची जी हमारी, और फिर हमने थोड़ी बातें शातें मारी, फिर हम गए लॉन्ग मतलब वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जाने के बाद फिर चाय पिया, घूमा, एंड देन आई रियलाइज कि भाई जब दुबई ऐसे ही नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही दुबई जब कह लो भाई साहब, क्या क्लीन सिटी है, इट वॉज लाइक कि देखो ज़्यादा लोग भी नहीं दिखे, और जो दिख रहे हैं खुद में बिजी है, डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, सबसे अच्छा इंडिया में आप रोड क्रॉस करने के लिए आप कैसे डर जाते हो कि वो रोड क्रॉस करना है, एंड बाइक और उसको देख देख के करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज लाइक अगर मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ गाड़ी बहुत दूर है तो वो आके खुद ही रुक जाती थी, और यही चीज़ मेरे को चाची जी बोलती कि मैं जब पहले आई थी ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे रोड क्रॉस करूँ ये करूँ, लेकिन वहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप क्रॉस कर लो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, कार अपने आप रुक जाएगी, मैंने वो भाई सही है। सो दैट इज़ इट, आज का इतना ही जो मैंने डिटेल आपको बताया कि कैसे कैसे मैंने बोर्ड किया, तो इसी में वीज़ा एप्लीकेशन एंड ऑल का अभी तक का मेरा खर्चा हुआ है, रिटर्न टिकट और टिकट मतलब रिटर्न टिकट जाने का और आने का टिकट, उसके बाद वीज़ा का, तो वही कुल मिला के रिटर्न टिकट का 12,000 लगा, क्योंकि थोड़ी महंगी थी, क्योंकि मैं जब जा रही हूँ 3rd of April को आई एम गोइंग, तो उस दिन का इट इज़ लाइक कि 3rd of April को मैं जा रही हूँ, तो उस टाइम पे ये रमज़ान स्टार्ट है, तो रिटर्न ही यहाँ से लोग बहुत जाते हैं, शायद इसकी वजह से फ्लाइट महंगी थी, नहीं तो आपको 7,000-8,000-9,000 में भी मिल जाती है, और उधर से आने की मेरी थी 10,000 समथिंग चेंज है ना, 11,000, तो 11,000 वो मान लो, और 12,000 ये प्लस 22,000 और 6,500
8,000 अभी तक मेरे खर्च हुए हैं, उसके अलावा मेरा खर्च नहीं हुआ है। और दिरहम्स मैंने कितने लाए हैं अगर मैं बोलूँ तो आई हैव गॉट 1,000 दिरहम्स जो मेरे को एक्सचेंज वगैरह करा के 22,300-22,400 रुपये पड़े, 22,400 मतलब 2,400 एक्स्ट्रा मैंने पे किया है करेंसी चेंज करवाने का। और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ इट इज़ वेरी वेरी गुड, अच्छा है। तो अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हो तो सोलो जाना चाहते हो तो लगती तो बहुत गंदी है, गंदी मतलब लगी पड़ी होती है और डर अंदर से होता है जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसीजन खुद आपका होता है। बट बहुत कॉन्फिडेंस आता है यार, बहुत 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 मतलब नेक्स्ट लेवल का। सो मेरे को लगता है सोलो ट्रिप जाना चाहिए। और हाँ आप कह सकते हो कि सोलो कैसा है भाई, तो फैमिली के साथ ही रुकी है कहीं ना, तो हाँ ठीक है रुकी हूँ लेकिन घूमने जाऊँगी एंड एवरीथिंग इट विल बी फाइन। सो टिल देन अगर आपको मेरा आगे का जर्नी जानना है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए भैया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है इस बात का। और मेरे को ऐसा लगा कहीं मैं वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ अपनी एनर्जी इतना वर्क करके यहाँ आके बैठ के आपसे बात करके, बट ऐसा नहीं है, आई एम इन्जॉइंग इट, आई एम इन्जॉइंग मेकिंग वीडियोज़। बट अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता, कमेंट नहीं मिलता, देन आई फील सो लाइक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। इसलिए प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखनी है तो। एंड दैट्स ऑल, एंड आई लव यू पापा, आई लव यू अतुल छोटी हनी, एंड आई मिस यू छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा। अगर तुम होती ना तो भयंकर तूफान मचाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ओके। तो आज मैं अभी सुबह मतलब मैं 7:30 बजे जग गई थी, देन आई हैड माई टी और अभी कुछ बज रहे हैं 8:40 8:40। तो आई कॉल माई फ्रेंड, आई लास्ट टाइम की अगर वो ज्वाइन कर रहा है मेरे को, और आई विल जस्ट गेट रेडी एंड आई विल रश बाहर जाती हूँ। कहाँ जाऊँगी कुछ प्लान नहीं कर गया, इसमें तो ये करना है वो करना, हाँ लेकिन ये पता है कि कहाँ कहाँ घूमना है। तो शॉपिंग वाला मैंने प्लान डाल दिया, पहले मैंने सोचा था आज मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि क्यों नहीं शॉपिंग करूँ, जब लास्ट में जाने लगूँगी तब शॉपिंग करूँगी अगर पैसे बच गए तो, वरना से पहले एडवेंचर करेंगे अपा, घूमेंगे जो जो करना है वो सब करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अपा जी, थैंक यू सो मच मेरे को परमिशन देने के लिए यार। मतलब आई नो आजकल हर लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन मेरे आजू बाजू के कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली या कोई भी सोलो ट्रिप पे नहीं गया है। सो आई डोंट नो एनी वन पर्सनल वाला जो सोलो ट्रिप करता हो, बट आई एम हियर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड पापा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मतलब मम्मी भी होती तो शायद मेरे को सोलो ट्रिप की परमिशन नहीं देती थी, आपने दिया। अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन कि हाँ मैं किस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, मेरे को कैसा लग रहा है और क्या है, आपने मेरे को दिया, इट्स अ बिग टाइम डील। बहुत लोग लग रहा है अरे लड़की ऐसी है दूसरे अकेले चली गई, पापा ने कैसे जाने दिया, भैया जो ऐसा सोच रहे हैं ना वो आप सोचते हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पापा क्या सोच रहे हैं वो मेरे लिए मैटर करता है, मेरा भाई क्या सोच रहे हैं वो मैटर, मेरी बहन क्या सोच रही है, घर वाले क्या सोच रहे हैं मुझे वो फर्क पड़ता है। बाकी लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि इतना भी क्या है घूमने चली गए ऐसे ऐसे, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, एंड मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और अगर मेरे पास मतलब हाँ मैंने ये ट्रिप खुद के पैसे से मारी, खुद के सेविंग से, जो मैंने मतलब लास्ट जॉब किया था ना तो मेरे पास जो पैसे बचे थे मैं उससे ट्रिप मारी, उसमें आई एम सुपर डुपर प्राउड। जो लोग सोच रहे होंगे कि पापा के पैसे उड़ा रही हूँ, मतलब उनके पैसों को भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स लाइक कि आई एम सुपर डुपर हैप्पी, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड कमेंट और मैं